हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं सेकंड पार्ट ऑफ टर्मिनोलॉजी। आपको याद हमने जो पहला पार्ट लिया था टर्मिनोलॉजी का, उसमें हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर देखा था और न्यूक्लियॉन्स देखा था। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे तीन टर्म। पहला रहेगा आइसोटॉप्स, दूसरा रहेगा आइसोबार्स और तीसरा रहेगा आइसोटॉन्स। तो पहले शुरू करते हैं आइसोटॉप से। आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बच्चों किसी भी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, सेम एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटॉप। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज थ्री आइसोटॉप्स। तो मैं यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के आइसोटॉप आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने तीन बार H लिखा है। क्यों लिखा है सर? ये तो सेम एटम हो गए, तो हाँ यही तो आइसोटॉप होते हैं, ये हमेशा सेम एलिमेंट के होते हैं। अब देखिए मैंने क्या लिखा, 1H1, 1H2, 1S3। अब देखिए यहां पर ये तीनों एटम में क्या कॉमन है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इन तीनों एटम का सेम एटॉमिक नंबर है, लेकिन मास नंबर जो है वो 1, 2, 3 है, मास नंबर वेरी कर रहा है। तो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, वो कहलाते हैं आइसोटॉप्स। तो बच्चों बताओ हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होंगे? तो आंसर है सर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटीरियम, और बच्चों इसका नाम होता है ट्रिटियम। क्या ये आपको क्लियर है? ये 3 आइसोटॉप हमने लिखे हाइड्रोजन के। अब लेते हैं बच्चों कार्बन के आइसोटॉप। तो कार्बन के भी 3 आइसोटॉप होते हैं। तो मैंने क्या किया, 3 बार कार्बन एटम लिखा। अब तीनों में क्या सेम होगा? बिल्कुल सही बोला, इन तीनों में एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा, सेम एटॉमिक नंबर मेंशन किया, और यहां पे 12, 13, 14। तो आप देखिए इन तीनों कार्बन एटम में क्या सेम है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इन तीनों का एटॉमिक नंबर कॉमन है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। ऐसे कार्बन एटम क्या कहलाएंगे? सो सर ऐसे कार्बन एटम कहलाएंगे आइसोटॉप्स। तो बच्चों ये तीनों कार्बन के 3 आइसोटॉप हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट लेते हैं कि इन आइसोटॉप्स का यूज क्या है, हमको क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। Uses of isotopes, they are used in archaeological dating, chemical reactions, medical diagnosis, etc. जो isotopes का जो main use होता है, मैं आपको बताऊं कि इनके 3 isotopes यहाँ पे carbon-612, carbon-613, carbon-614। तो बच्चों इन सारे isotopes में कुछ isotopes ही stable होते हैं, बाकी less stable और unstable होते हैं। बड़े काम की बात है, ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर आपको कहूं कि इन hydrogen के 3 isotopes में जो 1s3 है, ये highly unstable है और लगातार decay होता रहता है एटमोस्फियर में, सराउंडिंग में। अगर मैं कहूं कि कार्बन के 3 आइसोटॉप में जो कार्बन 614 है, ये हाईली अनस्टेबल है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनस्टेबल आइसोटॉप होते हैं, हाईली अनस्टेबल आइसोटॉप जो होते हैं, वो लगातार डिके होते रहते हैं, लगातार वो डिग्रेड होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। बच्चों ऐसे आइसोटॉप का यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव डिके में। ये रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है, हायर क्लासेस का है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो रेडियो एक्टिव डिके में इनका यूज होता है फॉर द सोसाइटी। तो सोसाइटी में कहां यूज होगा? आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। बच्चों बच्चों कहीं पर खुदाई होती है और वहां से आपको कुछ स्टेचूज मिलते हैं, कुछ कॉइन्स मिलते हैं, और आपको पता करना है कि ये कॉइन्स या ये स्टेचू कितना पुराना है। तो उसकी उम्र पता करने के लिए, उसकी एज पता करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, दैट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल डेटिंग। तो बच्चों वहां पर कार्बन 614 का जबरदस्त यूज है। तो आप कार्बन 614 का यूज करके आप पता कर सकते हैं इजीली कि वो स्टोन, वो कॉइन कितना पुराना है। दूसरा होता है बच्चों केमिकल रिएक्शंस। कुछ केमिकल रिएक्शंस में भी ये यूज किए जाते हैं, उस रिएक्शन का प्रोसेस जानने के लिए, मैकेनिज्म जानने के लिए।
बच्चों नेक्स्ट है मेडिकल डायग्नोसिस, बच्चों ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, थायराइड डिसऑर्डर हो रहा है आपको, या बोन की प्रॉब्लम है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, बच्चों बॉडी के अंदर डिसऑर्डर को फाइंड आउट करता है ये। तो बच्चों ये कुछ यूज थे, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि जब आइसोटोप हमारे इतने काम आते हैं डेली लाइफ में, तो क्या आइसोटोप हम लोग बना सकते हैं? तो आंसर रहेगा यस वी कैन। बच्चों हम लोग आइसोटोप्स को बना सकते हैं। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे आइसोटोप जो मेडिकल लाइन में यूज होते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब बच्चों नेक्स्ट लेते हैं आइसोबार्स। बच्चों ये ग्रीक के दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस बार। आइसोज माने होता है सेम और बार माने होता है मास, यानी जिनका मास सेम हो। तो डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे डिफरेंट एटम जिनके मास नंबर तो सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यानी कि आइसोटोप का जस्ट रिवर्स करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, आइए देखते हैं आर्गन। अब लेते हैं बच्चों यहां पे लेते हैं कैल्शियम, ये लीजिए। देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और इसका मास नंबर 14 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास नंबर 40 होता है। इन दोनों एटम के आर्गन और कैल्शियम जो यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, इन दोनों के मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो दीज टू आर कॉमनली नोन एज आइसोबार्स। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट लेते हैं आइसोटोन्स। डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोज आर नोन एज आइसोटोन्स। बच्चों एग्जांपल जरूर लेंगे, हमने क्लोरीन 1737 लिया हुआ है और दूसरा पोटेशियम लिया हुआ है 1939। तो आप भी बताइए बच्चों ये दोनों एटम डिफरेंट है। अगर मैं यहां पर निकालता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप भी बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो बच्चों बताओ क्लोरीन के लिए कितना होगा? तो क्लोरीन के लिए होगा 37 माइनस 17, कितना आया सर? 20। बच्चों क्लोरीन में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। और अगर मैं यहां पे करता हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा? मास नंबर 39 माइनस एटॉमिक नंबर 19, तो यहां भी 20 आ रहा है। तो आप देखिए Cl 1737, पोटेशियम 1939, ये दोनों डिफरेंट एटम है लेकिन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम आ रहा है। दैट्स व्हाई दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ आइसोटोन, ये दोनों कलेक्टिवली आइसोटोन कहलाएंगे। तो बच्चों आज हमने जाना आइसोटोप, दूसरा जाना हमने आइसोबार और तीसरा जाना हमने आइसोटोन्स। क्या ये आपको क्लियर है? बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।